राधे बोलिए बरसाने में डोलिए। हमारे साथ में राज भैया चल रहे हैं, इसी के साथ में हमारे दूसरे संत हैं आकाश। लीलाओं के बारे में हम बाबा जी से सारी जानकारी ले रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है यात्रा में आज। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से बरसाना धाम, और इस बार हमारे साथ में गाड़ी भी है और बस भी है, दोनों चीज़ें जाएंगी साथ में। और पैकिंग हो चुकी है, काफ़ी सारे लोग सुबह का वक्त है तो आ नहीं पाए, तो उन्हीं का इंतज़ार चल रहा है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे बरसाने के लिए और आपको दिखाएंगे। और चलिए आपको सभी लोगों से मिलवाते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में और लाइक करिएगा। और अभी हमारे साथ दर्पण जुड़ रहे हैं और दर्पण आपको बताएंगे। जब हम लोग जो है बरसाने के लिए निकल रहे हैं, गाड़ी सब रेडी है। वैसे 5 बजे गाड़ी जाने को थी पर थोड़ी सी गाड़ी लेट आई हुई है, और सब लोग आ चुके हैं और जो भी अब 1-2-4 भक्त रह गए वो आने को हैं। और बस सभी लोग मिलती है, सबको फ़ोन भी यूट्यूबर और भैया कर चुके हैं, सब लोग आ रहे हैं। और सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। तो जैसा कि बस में कुछ कीर्तन वीर्तन होता रहेगा आपको बताएंगे। और सामने ही देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, सभी यात्रीगण का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे श्री 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 108 महाराज जी हैं जो लिस्ट नोट कर रहे हैं। ये बहुत ही पूजनीय महाराज जी हरदोई के हैं, संत दिव्य, इनके बिना यात्रा पूरी होती नहीं है। और इन्हीं के साथ में हमारे दूसरे संत हैं आकाश। ये 1 लाख माइनस लगा। और इनके साथ में प्रेमानंद जी के भी चल रहे हैं साथ में। ये देखिए ये बजरंगी भैया चल रहे हैं, ये देखिए सो के उठ के तुरंत चले आए, पैसे उठा देते हैं बिना नहाए। सब लोग प्रिया कुंड में ही नहाएंगे। और ये देखिए अंकल हैं, और ये हमारी बस है, बस चल रही है। ये हमारा मित्र है जो चल रहा है वृंदावन धाम। इससे बहुत बार हमने कहा कि चलो हमारे साथ, लेकिन इस बार ये मान गया है, तो इसको भी दर्शन करवाएंगे। ये बदला बदला सा हो जाएगा वृंदावन के जाने के बाद। राधा रानी की, बरसाने वाली की। अब कैसे पहुंचे? तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं रिलायंस पेट्रोल टंकी पे, और यहाँ पे तेल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में और बस में। और बस यहाँ पे जब तेल भर जाएगा फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधा बरसाने की तरफ। और ये हमारे साथ शिवा है। राधे श्याम सभी भक्तों को, राधे श्याम। यूट्यूब चैनल आप लोग देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चल रहे हम लोग भैया, हो जाए। तो दोस्तों हम लोग बरसाना धाम में आ चुके हैं, और हम लोग गेस्ट हाउस पे रुक गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया, और उसके बाद में थोड़ा सा आराम करने के बाद में हम लोग नहाए धोए तैयार हो गए। अब हमारे गौर दास जी की कथा है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, जो कि विक्टोरिया हॉल नहीं, जो कि केती मंदिर के पास में एक हॉल है, वहाँ पर उनकी कथा होगी। तो वहीं पर हम सब लोग जा रहे हैं और आपको कथा दिखाएँगे। कथा तो नहीं सुनाएँगे, थोड़ा सा वहाँ का माहौल दिखाएँगे कैसा है। ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मेरा दोस्त मेरे साथ ही चल रहा है, ये देखो, इसको बहुत अच्छा भी लगेगा। Yeah.
अनंत का जो ही माता लोग का यहाँ आगमन हो रहे हैं वो आ गए या दर्शन आनंद लेंगे। इसके बाद उनका उनके मुखारबंद से हमको कुछ घटना में दर्शन करने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण हरे राम सीताई बरसाने में दूसरा दिन है तो हम लोग जा रहे हैं प्रतिमा मार्ग में प्रतिमा करने के लिए और गोपाल गौर दास जी भी साथ में रहेंगे आज प्रतिमा मार्ग में। हमारे साथ में राज भैया चल रहे हैं। राज भैया कैसा लग रहा है? बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। और कल हम लोगों ने कथा सुनी थी सदनंद ने, उसमें परम आनंद आया, परम आनंद आया था। तो अभी का सुबह का वक्त है और काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ पर। हम लोग चल रहे हैं, देखिए संगत के सभी लोग चल रहे हैं धीमे धीमे और सभी लोग ज्वाइन करेंगे। मेरो बरसाना जो राधा रानी का मेन गेट है वहाँ पर, तो आपको वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं मेरो बरसाने वाले गेट पे और ये मेरे पीछे मेरो बरसाने वाला गेट है और संगत के सभी लोग आ चुके हैं और धीमे धीमे और लोग भी आ रहे हैं और यहीं से प्रतिमा को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो प्रतिमा होगी हमारी कीर्ति मंदिर के सामने से, लेकिन हम लोग अपनी प्रतिमा स्टार्ट करेंगे यहाँ से और प्रतिमा करते करते आपको दिखाते रहेंगे। और इस बार हमारी प्रतिमा रहेगी सबसे बड़ी प्रतिमा रहेगी बरसाने की, आपको आनंद आएगा और राधे राधे जपते रहेंगे। और हमारी प्रतिमा स्टार्ट हो गई और प्रतिमा में देखिए कितने सारे लोग हैं, ये कैमरा भी चल रहा है, ये देखिए। मुकुल कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है यात्रा में आज। अच्छा,
और ये आनंद सबको मिलना चाहिए। और कुछ? और जय श्री राधे। जय श्री राधे। कथा हुई कि वो साथ से प्रतिमा कर रहे हैं गोपाल गोदार जी की, तो यहाँ पर रंगोली मंदिर के पास, मान मंदिर की सीढ़ियों के पास में है और हम लोगों ने आधी प्रतिमा कंप्लीट कर ली है। राधा कुंड, राधा सरोवर को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी सुबह के 9 बज रहा है, दर्शन करते हैं और धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिमा को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या पढ़ा था बताओ? राधे राधे बोलिए, बरसाने में डोलिए। आंटी बताओ कुछ कैसा लग रहा है आपको? कस के चिल्ला के राधे राधे बोल दो। राधे 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 राधे। सब सखिया बन जाती है और आस करती है। जी और हम लोग महाप्रभु जी की बैठक को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और धीमे धीमे प्रतिमा को पूरा करेंगे। तो हम लोग मंदिर की बहुत नज़दीक आ चुके हैं और देखिए आज संडे है तो बहुत भीड़ भी है आज और दुकानें लगी हुई हैं।